चलाई हमने हाँ। तो कंपनी का कंपनी कोई नाम होते वो जैसे पालीजी कंपनी है एक। अच्छा तो बच्चे की ख्वाहिश का है पापा पांच को दी पालीजी ले जाने से वो सब जाने। आज हमारे पास मारुति सुजुकी की एक और बजट कार जो है सबसे बेहतरीन बेहतरीन बजट के अंदर आने वाली एक गाड़ी है जिसका नाम है अपना एक्सप्रेस। तो आज अपन करने वाले हैं ये गाड़ी को रिव्यू के और ओनरशिप रिव्यू के आखिर में गाड़ी है कैसी। हमारे साथ में गाड़ी के ओनर तो भैया आपको नाम का है राजा राजपूत भैया नाम है। तो भैया जा आपने गाड़ी कितने की लाई आपको कितने की पड़ गई जा ये गाड़ी पड़ी है 5 लाख रुपए कंप्लीट है फुल कंप्लीट। तो आपने कहाँ से उठाई सागर से के कहूँ और से सागर से उठाई सर। अच्छा इसके पहले आपके पास और कोई गाड़ी है थी का अल्टो थी मेरे पास उस टाइम पर पुराने। अच्छा उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट लगी। हाँ हाँ तो जा देखो मारुति जो आपकी अल्टो हती बाबी मारुति की गाड़ी हती और जहा भी गाड़ी जो है आपकी मारुति कंपनी की गाड़ी है। तो आपने जई गाड़ी का ली मतलब आदमी जैसे पहली गाड़ी कंपनी की चला चुका थे तो आदमी जहाँ चाहते कि हम कोई दूसरी कंपनी ट्राई करें तो आपने जई कंपनी का है ई पे काए गए आप जा है कि अल्टो चलाई हमने हाँ। तो कंपनी का कंपनी कोई नाम होते वो जैसे पालीजी कंपनी है एक। अच्छा तो बच्चे की ख्वाहिश का है पापा पांच को दी पालीजी ले जाने हाँ। कंपनी बहुत ब्रांडेड अच्छी कंपनी है हाँ। और इस गाड़ी का हमें बहुत शौक भी था पहले से। अच्छा फिर हमने देखा एक हमारे मित्र की थी हमारा मन हुआ इसको लेने के लिए। अच्छा कम्फर्टेबल गाड़ी है बहुत मस्त गाड़ी है। अच्छा कितना भी लंबा चलाई आप गाड़ी का आप अंदर का दिखाते हैं हम बेस्ट क्वालिटी एवरेज भी बहुत अच्छा निकालती है। अच्छा एवरेज की मैं बात हो रही तो पेट्रोल इतना महंगा जो हो रहा है तो आप एवरेज के बारे में क्या क्या बचा कितने तक को एवरेज दे दे मिनिमम मेरे हिसाब से समथिंग 20 से लेकर 24 तक एवरेज निकालती है बिल्कुल आराम से कोई परेशानी कोई। अच्छा स्पीड क्या रहती है जब आपका 20 से 24 के बीच एवरेज निकालती गाड़ी मिनिमम 80-90 मतलब चलती रहती है रोड के हिसाब से चलती है। अच्छा लंबी रनिंग हो तो साथ चलती है हम गांव में से घूमते हैं उससे 50-60 मतलब हिसाब से चलती है। अच्छा सिटी में कितना निकाल देती जब आपको गियर बार बार चेंज करना पड़ता है सिटी में एवरेज थोड़ा कम हो जाता है हल्का। अच्छा उससे कोई मतलब ज्यादा डाउट फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा जी आपकी जो गाड़ी है भैया आप देख लो देखबे में तो काफी ऊंची गाड़ी है और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भैया ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी सही है। तो भैया आपने उबड़ खाबड़ रास्तों में चलाई है गाड़ी बिल्कुल चलाई है कैसी चलाई बहुत मस्त हम देख रहे हैं बिल्कुल पता नहीं पड़ता है अल्टो ले रहे थे हम अल्टो मतलब पहले थी अल्टो से बहुत परेशानी होते थे हम। अच्छा कहीं अपन शादी वगैरह में किसी पास जा रहे हैं कहीं का रास्ता खराब हो जाती है ऐसे भी आप पता है रास्ता पानी मारे पास में खराब हो जाती है उस वजह से उससे बेस्ट ये लगी। अच्छा अल्टो से ज्यादा अच्छी आपको ज्यादा अच्छी गाड़ी है और आप कहीं भी निकालिए कोई दिक्कत नहीं होती है आपको देखना पड़ता है रास्ता खराब कहाँ से आप घुमाना पड़ता है आपके लिए बहुत बेस्ट लगी हमारे लिए। अच्छा जैसे आपकी देखो जा कंप्लीट 5 लाख की पड़ गई ठीक है अगर आप मारुति की और गाड़ियों पे जाओ तो आपको स्विफ्ट को थोड़ा सा आपको 50-60 हजार रुपया ज्यादा डाल के आपको स्विफ्ट मिल जाती तो आपने बा काई नहीं ली जई काय ली वो इसने लिए कि हमारे लिए क्या है कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमें वो चाहिए हमारे लिए कंफर्टेबल लगी हुई सबसे बेस्ट बेस्ट है गाड़ी। अच्छा आपको ये सब से अच्छी लगी इसका एवरेज भी अच्छा है और मॉडल भी। अच्छा ई में आपको इंजन बता दें अगर आपको तो ई में 1 लीटर को इंजन आता है जो आपको 58 आपको जो है हॉर्स पावर की क्षमता है की 500 RPM पे तो काफी अच्छी है बजट फ्रेंडली सिटी के हिसाब से आपको जो भी रनिंग है आपकी जो फुलफिल कर सका थे। तो भैया आपने कितने तक भगा ले इसको अब फिलहाल तो गाड़ी भगाना तो हानिकारक होता है हाँ हाँ ठीक है लेकिन अच्छे अपने हिसाब से 120-130 गाड़ी हम चला लेते आराम से चला लेते और पता नहीं पड़ता नहीं बहकने का डर नहीं कोई मतलब उसकी इसका जो बिकअप है कितना मस्त है कि मतलब सारे में बोलो हर चीज। अच्छा आपका जो इंजन है ये आपको अल्टोई के बराबर है लेकिन केवल 1 लीटर का मतलब 999 cc का इंजन है तो जब गाड़ी फुल लोड रहती है जैसे 4-5 बंदे बैठे हैं गाड़ी में तो गाड़ी के पिकअप में कमी नहीं आती कुछ बिल्कुल पिकअप नहीं आती इसमें 5 लोग कम ले आपको लंबा जाना है कहीं भी आपके लिए घूमने जाना है कहीं भी आना है 5 लोग आराम से बैठ जाते हैं। अच्छा कम्फर्टेबल इतनी मस्त गाड़ी है बैठने का सीट भी नीचे की हाइट भी पैर भी हाँ। कुछ गाड़ी आपने देखी है सट्टे वालों डी यार कुछ ही मान लो देखते हैं पर शरीरों में दिक्कत होती है बैठने में दिक्कत होती है। अच्छा ऐसी कोई भी दिक्कत है इसमें समझ में नहीं आ रही इतनी मस्त लगी मेरे हिसाब से तो सही है आपको सलाह भी दूंगा किसी मेरे मित्रों के लिए गाड़ी ले तो यही लो। अच्छा यही लेने की सलाह दोगे तो आजकल देखते हैं एवरेज भी कम है गाड़ियों का और महंगी भी आ रही बहुत ज्यादा उन्होंने कहा कितना एवरेज है 15-20 चल रहा है और 20 चल रहा है मतलब देते नहीं है कम से मिनिमम 1 लीटर में 20-25 तक निकल आराम से हाईवे पे निकल जाते पक्का निकालती है आराम से चलाते रहो आप 80-90 चलाते रहो कोई मतलब इतनी कम्फर्टेबल है बैठने में आप लंबे सफर में जा रहे हो आपके फैमिली जैसे
बहुत कंप्लीमेंट गाड़ी लगी इसलिए मैंने ये ली। अच्छा अच्छा, आपके पास पहले अल्टो थी, इसके पहले आपने मतलब अल्टो भी आपकी पेट्रोल थी, ये भी आपकी पेट्रोल है, आपने कोई डीजल गाड़ी चलाई है? नहीं, अभी तक नहीं चलाई मैंने डीजल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी में बेस्ट लगी है। अच्छा, क्या है एक बार दिक्कत और है, मतलब ठीक है अपना बजट नहीं है, अपन कहीं चले गए हैं तो आजकल पेट्रोल तो हर जगह मिल जाता है, डीजल नहीं मिलता। अरे भाई, जहाँ पेट्रोल मिलेगा तो डीजल ही मिल जाए। आजकल डीजल कम रखते हैं, पेट्रोल 10 से 8 लीटर रखा रहता है। अच्छा अच्छा, उसके अलावा पेट्रोल बेस्ट भी है और एवरेज अच्छी निकालती है गाड़ी। अच्छा, तो आपने भैया कितनी चला ली गाड़ी? 2100 गाड़ी चल चुकी है। 2100 चला ली, सर्विसिंग वगैरह हो गई? अभी नहीं हुई है, फर्स्ट होने वाली है, कल परसों जाएंगे। अच्छा, और क्या हो सकता है, अगर लें तो एक और लेंगे, यही लोगे आप एक और गाड़ी लेंगे? तो भैया जा होगा ओनरशिप रिव्यू आपकी एस्प्रेसो को, जो कोई को भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।